हेलो दोस्तों, बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम पोर्टफोलियो के बारे में बात करेंगे। नया मंथ शुरू हो चुका है अगस्त, तो अगस्त में ऐसे कौन से शेयर होंगे जिन्हें लेके अगर कभी मिस हैपनिंग बाज़ार में होती है और वो नीचे भी चले जाते हैं, तो कौन से शेयर मजबूत है, फंडामेंटली स्ट्रांग है और जो सेफ रहेंगे और आगे चल के हमें अच्छा प्रॉफिट देंगे, ऐसे कौन से शेयर है। इस तरीके का एक पोर्टफोलियो हम बनाया है, तो उस पोर्टफोलियो के बारे में बात करते हैं। अलग अलग सेक्टर में उसे डिवाइड किया है। ओके, तो हम उसके बारे में बात करेंगे। बट बिफोर दैट, ये वीडियो थोड़ी लंबी होने वाली है क्योंकि बहुत सारे शेयर्स के बारे में हम बात करेंगे, तो लास्ट तक बने रहिए। एक अच्छा शेयर्स के बारे में आपको जानकारी मिलेगी और उन शेयर के इंडिविजुअल वीडियो भी आगे आपको मिलने वाले हैं। तो आगे बढ़ने से पहले और एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि आप हमारे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाज़ार को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, ताकि हमें मोटिवेशन मिलता रहे। तो आइए हम पहले ही चलते हैं ऑटो सेक्टर की तरफ। जो पोर्टफोलियो में हमने जो चूज़ किया है ऑटो सेक्टर का, एक शेयर उसका नाम है बजाज ऑटो लिमिटेड। बजाज ऑटो लिमिटेड बहुत अच्छा शेयर है, फंडामेंटली स्ट्रांग है। अभी कोरोना की वजह से ऑटो सेक्टर में थोड़े बहुत ऑटो सेक्टर में काफ़ी सारी गिरावट है, इस वजह से ये शेयर नीचे आया हुआ है। बट इसका चार्ट पैटर्न जैसे कि आप देख रहे हैं ऊपर की तरफ है, काफ़ी अच्छा इसका चार्ट पैटर्न भी है। तो आप इस शेयर पे बिलीव कर सकते हो अपने पोर्टफोलियो में, ऑटो सेक्टर में इसे वॉच लिस्ट में डाल सकते हो और अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हो। ओके, इसके अलावा हम दूसरा शेयर जो ऑटो सेक्टर में मैंने चूज़ किया है वो है मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड। शेयर इसका 62-60 पे चल रहा है, बट इसका हाई देखेंगे आप तो लगभग 10,000 के आसपास ये गया था ये शेयर। ओके, तो अभी ये काफ़ी लो चल रहा है ऑटो सेक्टर में, जैसे कि बताया कि काफ़ी अच्छी गिरावट अभी चल रही है। ओके, ये शेयर अभी जैसे कि जो पैंडामिक आया तो लगभग 4,000 के आसपास ये शेयर मिल रहा था, तो आज 62 मतलब स्ट्रांग शेयर था इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर बढ़ गया। 10,000 इसका मैक्सिमम है लगभग, तो 10,000 तक इसे जाना ही है, तो आप इसे पे भी नज़र बना सकते हो और इस शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। इसके अलावा हम आईटी सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो आईटी सेक्टर में ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बनाई है जिसमें मैंने 5 फंडामेंटली स्ट्रांग शेयर को लिया है। तो आज हम उनमें से दो शेयर चूज़ किया है, उन पांचों सेक्टर को, उन पांचों शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं क्योंकि वो पांचों ही काफ़ी फंडामेंटली स्ट्रांग है। बट फिर भी अगर आप चूज़ करना चाहते हैं तो इन्फोसिस को आप देख सकते हैं, इन्फोसिस को अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए अगस्त के लिए, तो काफ़ी अच्छा ये शेयर है, काफ़ी अच्छा आपको परफॉर्मेंस भी दे रहा है। इसके अलावा SCL, मैंने अभी लास्ट वीडियो बनाई थी तो उसमें आपने देखा था कि SCL के ऑलरेडी एक न्यूज़ आई है, 4,500 CR का उसे एक कॉन्ट्रैक्ट भी मिला है। तो ये शेयर का जो टारगेट एनालिसिस ने किया हुआ है बड़े बड़े, तो उन लगभग लगभग 950-960 के अबाउट किया हुआ है, तो 706 पे अभी शेयर चल रहा है। तो आगे चल के इसका फ्यूचर काफ़ी अच्छा है, अच्छा आपको रिटर्न दे सकता है। प्लस में मैंने बोनस की भी बात करी है, तो उस वीडियो को भी देखिए उस, और इस शेयर को आप अपने पोर्टफोलियो में जगह अगस्त में दे सकते हैं। इसके अलावा हम FMCG सेक्टर के बारे में आ जाते हैं, तो FMCG में जो ये शेयर है ये HUL मतलब हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड, हर एक घर में इसके प्रोडक्ट जरूर मिलेंगे। ओके, बहुत फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, चार्ट पैटर्न जैसे कि आप देख रहे हो ऊपर की तरफ जा रहा है। ओके, और बहुत अच्छा शेयर है, आप लॉन्ग टाइम के लिए इसमें रह सकते हैं, सेफ शेयर है, अच्छे रिटर्न प्लस में आपको देंगे। इसके अलावा दूसरा शेयर जो FMCG का है वो नेस्ले इंडिया है। शेयर की कीमत 16,535 पे चल रहा है, बट अगर आप देखेंगे तो ये लगभग 17,000 18,000 पैंडामिक से पहले 18,000 के ऊपर था। ओके, तो आप इसे पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग शेयर है और ये ही एक शेयर है जो आने वाले फ्यूचर में लगभग 50,000 और 60,000 तक भी जा सकता है, तो इसे भी अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। और इसके इसके बारे में अलग से एक वीडियो मैं बहुत जल्दी बनाने वाला हूँ। इसके अलावा हम केमिकल सेक्टर पे आ जाते हैं, तो केमिकल में अतुल लिमिटेड कंपनी, इसका चार्ट परफॉर्मेंस आप देख रहे हैं, 1999 में 22 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था और आज 5,030 रुपीज़ का ये शेयर है, तो इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, तो एक अच्छा रिटर्न आपको ये फ्यूचर में देगा। इसके अलावा केमिकल में एक और शेयर है पिडिलाइट इंडस्ट्री लिमिटेड, आपने हर एक घर में इस प्रोडक्ट को यूज़ करते हुए देखा होगा, जब आप फेविकॉल या ग्लू से कोई रिलेटेड चीज़ें आप मंगाते हैं, तो एक तरीके से कह सकते हैं कि ये मोनोपोली बिजनेस भी होल्ड करता है, तो इसके प्रोडक्ट बहुत यूज़ होते हैं, बट पैंडामिक की वजह से नीचे आया हुआ है। ओके, वरना ये शेयर की कीमत लगभग 1,700 के आसपास थी, तो अभी 1,362 पे चल रहा है, तो आप इस शेयर पे भी नज़र रख सकते हैं और इस शेयर को लॉन्ग टाइम के लिए रख सकते हैं, तो अच्छा प्रॉफिट आपको फ्यूचर में हो सकता है।
इसके अलावा नवीन फ्लोराइड, ये भी एक केमिकल कंपनी है, इसका शेयर पैटर्न चार्ट भी देख लीजिए। 7 में जब ये लिस्ट हुआ था 64 रुपीज़ का था, इसके अलावा आज 1770 रुपीज़ का ये शेयर है। तो एज आप इस शेयर को खरीद भी सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए, के इन्वेस्टर जो भी है वो प्लस में इसे अपनी वॉच लिस्ट में रख के इस पर नज़र भी बना सकते हैं। एटलीस्ट वॉच लिस्ट में रखिए ताकि आपको पता रहे और आप इस शेयर को डेली बाई कैप्चर भी कर सके। इसके अलावा हम गैस की तरफ बढ़ते हैं, तो गैस में केवल दो ही शेयर के बारे में बात करूंगा। पहला है इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिससे जिसका चार्ट पैटर्न आपको सामने दिख रहा है कि कितना बेहतरीन चार्ट पैटर्न इसका है, तो जिसकी अभी कीमत 404 चल रही है, तो आप इस शेयर पे नज़र बना सकते हैं। ओके, इसका अगर हम लास्ट हाई भी देख ले तो 496 पे ये शेयर गया था, तो काफ़ी अच्छा शेयर है, लॉन्ग टाइम के लिए काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा शेयर है MGL, महानगर गैस लिमिटेड, इसका भी चार्ट पैटर्न काफ़ी अच्छा है और अच्छे रिटर्न इसने अपने शेयर होल्डर्स को काफ़ी दिए हैं। ओके, इस शेयर पे भी आप नज़र बना के रख सकते हैं, 972 पे ये शेयर अभी चल रहा है। अबाउट इंडिया लिमिटेड, ये फार्मा कंपनी का एक शेयर है, शेयर की कीमत जरूर 15,550 का है, काफ़ी अच्छा शेयर है, मजबूत शेयर है, फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रांग है। ओके, ये कभी 1999 में 506 रुपये का हुआ करता था। ओके, और आप देख सकते हैं विद इन 20 और 21 ईयर में आज की कीमत ये 15,550 रुपीज़ का ये शेयर है। तो किस तरीके के बेहतरीन रिजल्ट, किस तरीके बेहतरीन रिटर्न इसने अपने एक शेयर होल्डर को दिए हैं, तो आप जान समझ सकते हैं, जान सकते हैं। ओके, काफ़ी अच्छा फ्यूचर भी है, लॉन्ग टाइम के लिए बनेंगे बने रहेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको प्रॉफिट हो सकता है फ्यूचर में। तो आप इस शेयर पर को भी अपनी नज़र में रख सकते हैं, और इसका मैक्सिमम 30 अप्रैल को 17,730 रुपीज़ का हुआ करता था ये शेयर, आज 1550 पे चल रहा है, तो आप इस पे को अपनी वॉच लिस्ट में जगह दे सकते हैं। इसके अलावा हम फार्मा कंपनी की बात कर रहे हैं, इसके अलावा हम एक और फार्मा कंपनी में एक शेयर है, अमृतांजन हेल्थ केयर लिमिटेड, फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, जीरो डेट है, कोई भी इसमें डेट नहीं है, तो इसे भी अपनी पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। ओके, 2009 में 46 रुपीज़ का हुआ करता था, आज 432 रुपीज़ का है, और लास्ट ही मतलब 31 जुलाई को, फ्राइडे को, इसने 5.75% की इसने जंप भी लगाई है। तो काफ़ी अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो आप इसे अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, और 505 इसका 14 फेब को हाई भी था। इसके अलावा अगर हम इंश्योरेंस सेक्टर की बात कर रहे हैं, तो इंश्योरेंस सेक्टर में एक शेयर का नाम है बजाज फिनसर लिमिटेड, चार्ट पैटर्न आपके सामने है, काफ़ी अच्छा 603 रुपये, 632 रुपीज़ का 2008 में शेयर हुआ करता था। ओके, विद इन 12 ईयर्स 612 13 रुपीज़ का शेयर मिल रहा है, और इसके लॉन्ग हाई की बात कर लेते हैं तो लगभग 9,600-9,700 रुपीज़ का ये शेयर ऊपर गया हुआ है, तो आप इस पे नज़र बना सकते हैं। और इसे अगर आप खरीदते हैं लॉन्ग टाइम के लिए, ये डेफिनेटली 10,000 से अबव जाएगा, तो आप इसे पोर्टफोलियो में आप जगह भी दे सकते हैं, इसे खरीदिए। ओके, इसमें वॉच लिस्ट में नज़र भी बनाइए, काफ़ी अच्छा शेयर है, और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार सलाह भी ले लीजिए। इसके अलावा SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी की बात कर लेते हैं। ओके, ये भी इंश्योरेंस सेक्टर का एक काफ़ी दिग्गज शेयर है। ओके, गवर्नमेंट कंपनी है, जैसे कि SBI का शेयर है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का, तो आप इस पर भी नज़र बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा शेयर है, और काफ़ी 602 पे, 27 मार्च को जब मार्केट ये क्रैश हुई थी कोविड की वजह से, तो 602 में मिल रहा था, बट अच्छा फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर है, तो दोबारा 912 पे ये शेयर आ गया है, और आगे चल के इसका जो मैक्सिमम हाई जैसे कि 1,000+ था, तो आप एक बार देख सकते हैं, ये दोबारा अच्छा शेयर है, पोर्टफोलियो में जगह भी दे सकते हैं। ओके, खरीद भी सकते हैं, थोड़ी बहुत शुरुआत इससे कर सकते हैं। इसके अलावा हम एक और शेयर है, HDFC लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड, ओके, 344 रुपीज़ का ये शेयर, ज़्यादा इस को लिस्ट हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, 2017 में कंपनी लिस्ट हुई थी। ओके, 3 साल इस नवंबर में हो जाएंगे, तो 344 रुपीज़ का शेयर हुआ करता था, और आज इसकी कीमत 627 रुपीज़ है। ओके, कोविड में ये शेयर लगभग आपको 418 में, 418 रुपीज़ में मिल रहा था, बट आज 627 रुपीज़ का शेयर है, HDFC का शेयर है, और काफ़ी अच्छा रिटर्न इसने फ्यूचर में भी दिया। और सबसे अच्छी बात इस शेयर की ये है कि इसने निफ्टी 50 में अपनी जगह बना ली है। इसके बारे में हम आगे बात करेंगे, अगला अलग वीडियो में इसके बारे में बताऊंगा, तो आपको इस शेयर के बारे में और बात करेंगे। इसके अलावा एसेट मैनेजमेंट कंपनी की बात कर लेते हैं, जो आप म्यूचुअल फंड और इससे रिलेटेड जो कंपनीज होती है उसमें उसमें एक दो शेयर को मैंने चुना है। तो पहला शेयर है निपोन लाइफ, और दो ही शेयर मार्केट में लिस्ट भी है एसेट मैनेजमेंट कंपनी से, AMC से,
तो पहला शेयर जो है ये निपॉन लाइफ इंडिया एसेट मैनेजमेंट लिमिटेड है, इसे नाम इंडिया के नाम से भी जानते हैं। ओके, तो 285 रुपीज़ का 2017 में लिस्ट हुआ था। और इसका आप हाई देख सकते हैं लगभग 441 रुपीज़, लगभग अभी भी 30 to 40% और 40 to 50% शेयर अभी नीचे चल रहा है। तो आप इस शेयर पे नज़र बना सकते हैं। ओके, और आप अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं, फ्यूचर में काफ़ी अच्छे रिटर्न ये आपको दे सकते हैं। इसके अलावा दूसरा शेयर जो है इसी से रिलेटेड AMC से, तो HDFC AMC, मतलब HDFC एसेट मैनेजमेंट कंपनी लिमिटेड, ये शेयर को भी लिस्ट हुए काफ़ी टाइम नहीं हुआ है, केवल 2018 में अगस्त में ये लिस्ट हुआ था। ओके, 10 अगस्त को इसका 2 साल हो जाएंगे। 1748 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था और 2420 रुपये आज की कीमत है। ओके, और मैक्सिमम अगर देखेंगे तो 3700 बिफोर पैंडामिक। ओके, और ये लगभग नवंबर 2019 में 3700 रुपये का शेयर हुआ करता था। और अभी बिफोर दिस कोविड 3383 रुपीज़ का ये शेयर हुआ करता था। इस पर भी आप नज़र बना सकते हैं, काफ़ी अच्छा शेयर है। ओके, तो ये इस पर आप नज़र बना के रखिए, अपने पोर्टफोलियो में जगह दीजिए। ओके, वॉच लिस्ट में ऐड करिए ताकि आप इसको डेली वाइज नोटिस कर सके। इसके अलावा लास्ट बट नॉट लीस्ट एक और शेयर है जिसका नाम, जो इंडिया का नंबर वन शेयर भी है मार्केट कैप के हिसाब से। ओके, दुनिया के 5 रिचेस्ट में जिसका नाम आता है मुकेश अंबानी, उनकी कंपनी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड। ओके, इसका मैक्सिमम आप देख लीजिए तो 53 रुपीज़ का ये 2002 में लिस्ट हुआ था। ओके, बट आज लगभग 2100 रुपये के, 2070 रुपये में ये शेयर मिल रहा है। तो आप इसको भी, एक फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी है और अभी इन्होंने अपनी कंपनी को डेट फ्री भी किया है, तो आप इस पे नज़र बना सकते हैं, इस पोर्टफोलियो अपने शेयर को ले सकते हैं। अगर और लॉन्ग टर्म की बात करें तो लॉन्ग टर्म में अगर आप इसे शेयर को अपने पोर्टफोलियो में जगह देते हैं तो काफ़ी अच्छे रिटर्न आपको फ्यूचर में दे सकता है। ओके, तो आज हम इसी, ये पोर्टफोलियो था अगस्त का। आप इस पोर्टफोलियो को, इन शेयर्स को अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं फॉर द सेफर साइड, ताकि ये आपके शेयर्स को कुछ ना हो। अगर ये फ्यूचर में अगर कभी भी ये शेयर में गिरावट होती है तो आप बाई ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी लगा के शेयर को खरीद सकते हैं और आपको फ्यूचर में काफ़ी अच्छा रिटर्न मिल जाएगा। तो आपके ये शेयर फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग शेयर थे, ओके, जो मैंने आपको बताया। तो थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस। आज की वीडियो यहीं ख़त्म करते हैं। सबके साथ शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल बॉस ऑफ इंडियन शेयर बाजार को। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस।